उपायुक्त सोलन हंसराज शर्मा ने कहा कि स्वच्छता हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से ही सर्वत्र स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है। हंसराज शर्मा सोलन जिले के धर्मपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल में 100 दिन की कार्य योजना के तहत जिला स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के उपरांत सभी को संबोधित कर रहे थे। हंसराज शर्मा ने कहा कि अपने आवास ग्राम प्रदेश तथा देश को स्वच्छ रखने के लिए सभी नागरिकों को अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को ये समझना होगा कि साफ सफाई रखने से न केवल व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है बल्कि आर्थिकी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हम सब ये प्रण लें कि अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखेंगे तो शीघ्र ही समूचा सोलन जिला पूर्ण रूप से स्वच्छ रहेगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वह अपने जीवन में सभी स्वच्छता अपनाएं। उन्होंने कहा कि कसौली गढ़खल पंचायत में निकट भविष्य में ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन के लिए 20 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। ग्राम पंचायत गढ़खल सनावर को इस कार्य के लिए 15 लाख रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी स्तरों पर कार्य कुशलता बढ़ाने तथा विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोलन जिले में भी सभी विभाग इस दिशा में कार्यशील हैं। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के अनुरूप जिले की सभी पंचायतों में बीपीएल सूची से अपात्र परिवारों को हटाया जाएगा तथा पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सूची में ऐसे परिवार शामिल किए जा सकेंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक असजित भूमि तथा 1 हेक्टेयर से अधिक सजित भूमि हो, जिन परिवारों के पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का अथवा बड़ा निजी आवास हो, जो परिवार आयकर देता हो, जिस परिवार के पास चौपहिया वाहन जैसे कार, मोटर, जीप, ट्रैक्टर, बस आदि हो तथा जिन परिवारों की मासिक आय 2500 रुपए से अधिक हो। उन्होंने ग्रामवासियों से आग्रह किया कि बीपीएल सूची से अपात्र परिवारों के संबंध में प्रशासन को सूचित करें ताकि केवल पात्र परिवार ही इस सूची में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी से 13 मार्च 2018 तक बीपीएल सूची में शामिल अपात्र परिवारों की लिखित शिकायत तथा पात्र परिवारों का नाम सूची में शामिल करने के लिए संबंधित विकास खंड में आवेदन किया जा सकता है। कसौली छावनी के सीओ ब्रिगेडियर विक्रम शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छता अपनाए रखने में छावनी प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। हंसराज शर्मा ने इस अवसर पर विकास खंड धर्मपुर की 3 पंचायतों के 11 स्वच्छता बूथों तथा पंचायत चौकीदारों को सफाई अभियान में विशेष योगदान के लिए नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल, गढ़खल सनावर तथा गनोह के प्रधानों को पंचायत के लिए बड़े आकार के डस्टबिन भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य एवं बधिर मोहित कुमार को स्वच्छता अभियान का दूत घोषित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, खंड विकास धर्मपुर की अध्यक्ष नीता देवी, उपाध्यक्ष सोहन सिंह भट्टी, ग्राम पंचायत गनोह की प्रधान निर्मला शर्मा, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल की प्रधान मधु शर्मा, ग्राम पंचायत गढ़खल सनावर के प्रधान राजेश शर्मा, खंड विकास अधिकारी धर्मपुर डॉक्टर जयवंती ठाकुर, विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि, अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे।